झांसी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 5 दुकानों में रेड की। टीम को देखते ही मार्केट में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने दुकानों के शटर नीचे गिराने शुरू कर दिए। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये रेड की है। जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन चहल ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए झांसी में अलग अलग खाद्य पदार्थों की 5 दुकानों में निरीक्षण और सैंपलिंग का कार्य किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन चहल ने बताया कि उन्होंने अभी तक 5 दुकानों से सूजी, गुड़, बूरा, पनीर, पेड़ा मिठाई और मस्टर्ड ऑयल के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। जांच के बाद ही सभी सैंपल्स की गुणवत्ता के बारे में पता चल पाएगा। टीम ने तिकोना पार्क के नज़दीक किरियाने की 2 दुकानों पर सैंपलिंग की, जिसके बाद उमरा गेट पर मस्टर्ड ऑयल मिल में मस्टर्ड ऑयल के सैंपल लिए और साथ ही एक पेड़े और पनीर की दुकान के भी सैंपल लिए। आज हमने झांसी शहर में त्योहारी सीजन को देखते हुए अलग अलग खाद्य पदार्थों के लिए निरीक्षण एवं सैंपलिंग का कार्य शुरू किया है। तो अभी हमारा जो है ये 5वीं जगह पे निरीक्षण है, और इससे पहले हमने 2 किरियाना स्टोर से 4 सैंपल लिए हैं, उससे पहले एक मिठाई की दुकान से सैंपल लिया है और एक पनीर का सैंपल हमने डेयरी से लिया है। अभी यहाँ पर हम इनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद एक सैंपल लेंगे यहाँ से मस्टर्ड ऑयल का। सर, जिस तरह सरकार आम आदमी की सुरक्षा के लिए होती है, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपके सैंपल लेने के दौरान यहाँ से सारे दुकानदार दुकानें बंद करके चले गए? देखिए, ये ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो काम ठीक करता है उसको क्या डरने की ज़रूरत है? अगर आपके नॉर्म सारे पूरे हैं और आप जो है सही क्वालिटी की खाद्य पदार्थ बेचते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है बिना वजह का एक डर जो है दुकानदारों में बन गया है। मैं दुकानदारों से भी अपील करता हूँ, ऐसे भागने से किसी चीज़ का समस्या का समाधान कभी नहीं होता। हमारा किसी को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। हमारा जो निरीक्षण एवं सैंपलिंग का कार्य होता है, हमारा दुकानदारों को भी समझाने का एक रहता है कि हम उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। इसके अलावा कस्टमर के लिए भी हमारा जो है दायित्व बनता है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बिना वजह का एक डर दुकानदारों में हो गया है। सर, चाइना रेड की अगर अभी किसी के सैंपल लिए गए हैं जी, किसी चीज़ के सैंपल लिए गए पिछले? अभी हमने सूजी का सैंपल लिया है, एक सैंपल हमने गुड़ का लिया है, बूरा का सैंपल लिया है, एक पेड़ा मिठाई का लिया है, पनीर का सैंपल लिया है अभी तक। और यहाँ से क्या कुछ सैंपल लिए हैं सर? यहाँ से सरसों के तेल का सैंपल ले रहे हैं। सर, कोई ना कोई कमी ऐसी रह गई है कि दुकानदारों में और आपके डिपार्टमेंट में कोई गैप ऐसा रह गया कि उनको समझाने में समस्या रह गई होगी? देखिए, मैन पावर का डिपार्टमेंट में बिल्कुल इशू है, जिसकी वजह से हम दुकानदारों तक जितनी पहुंच होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा स्लो रह जाते हैं। लेकिन हमारी फिर भी कोशिश अब ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदारों तक पहुंच के और उनको कानून के दायरे में लाया जाए। जिनके पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नहीं है, उनके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी बनवाए जाएंगे, और ये जो डर का भय का माहौल है, इसको भी हम ख़त्म करने का काम करेंगे। आप ऐसा इसके लिए यूनियन से कॉन्टैक्ट करके जागरूकता शिविर भी लगा सकते हैं ताकि दुकानदार? जी बिल्कुल, इस तरह की मुहिम पहले भी चलती रही है और आगे हम और ज़्यादा इसको जो है तवज्जो देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार हमारे संपर्क में आके जो खाद्य नियम बने हुए हैं उनके बारे में जागरूक अपने आप को भी कर सकें और कस्टमर को भी कर सकें। सैंपलिंग रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? इसमें लगभग जो हमारे एक्ट के अंदर प्रावधान है वो 14 दिन का है, लगभग 14 से 15 दिन में रिपोर्ट आती है, उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाती है। इसके बाद देखिए, अभी तो कार्य जारी है और ये तो आगे भी रूटीन में चलता रहेगा। इसके बारे में तो मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता। आपका नाम? डॉक्टर पवन चहल। सर,